18 दिसंबर साल 2000 से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी कामगारों के अधिकारों और उनके परिवारों के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाया। 4 दिसंबर साल 2000 को यूएन ने दुनिया में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को मान्यता दी। यह दिवस प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। 18 दिसंबर साल 2014 को जीएसएलवी मार्क 3 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से अपनी पहली उड़ान भरी। यह इसरो द्वारा विकसित 3 चरणों वाला भारी वाहक प्रमोचक रॉकेट है। इस प्रक्षेपण के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 को प्रक्षेपित किया। इस प्रक्षेपण का उद्देश्य इनसेट 4 जैसे भारी संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है।